ये जो नवसिक्खु अनुकंपा पर जो जिनको राजनीतिक नवसिक्खु और जिन्हें संघर्ष का पता नहीं, पहला सवाल है कि लालू यादव जी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, देवेगौड़ा और गुजराल जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और बिहार में भी लालू यादव जी की सरकार थी, तो जाति जनगणना किसने रोका? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर गुस्सा फूटा है और गुस्सा भी इस कदर फूटा कि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने नौसिखिया बता दिया और कहते नजर आए कि नौसिखिया हैं, पिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खुद अपने नाम पर एक सीट भी नहीं जीत सकते और अगर उन्हें जीत भी मिली है तो पिता के नाम पर ही मिली है। सबसे पहले आप जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का वो बयान सुनिए। सदन के बाहर भी लगातार जाति जनगणना उनका एक अंतिम कार्ड है नीतीश जी के लिए। राजनीति की जब करवट बदली जाएगी तो उसमें जाति जनगणना विशेष राज विशेष पैकेज मुद्दा होगा। तो जब वो कह ही दिए हैं ये जो नवसिक्खु अनुकंपा पर जो जिनको राजनीतिक नवसिक्खु और जिन्हें संघर्ष का पता नहीं, गया से 1 किलोमीटर साइकिल से नहीं चल पाए, रथ नहीं चल पाई, 10 मिनट धूप में खड़े होने की हिम्मत और क्षमता नहीं, जनता को इतना बड़ा झूठ अमित शाह जी ने तो जुमला स्वीकार कर लिया, जुमला था, लगातार झूठ पे झूठ। तो मेरा 5 सवाल दोनों आदमी से है। पहला सवाल है कि लालू यादव जी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, देवेगौड़ा और गुजराल जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया और बिहार में भी लालू यादव जी की सरकार थी, तो जाति जनगणना किसने रोका? उस वक्त ना तो बीजेपी की सरकार थी ना कोई और थी। लालू यादव जी 10 साल कांग्रेस के साथ, 5 साल रेल मिनिस्टर रहे, इनकी सरकार थी। उस वक्त जाति जनगणना विशेष राज और विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? इसका मतलब है कि आप लोग जनता के मुद्दे को जब अपनी बारी आती है तो नहीं करना चाहते हैं। तो आपने सुना, अनुकंपा पर राजनीति करने वाले नौसिखिया बता रहे हैं तेजस्वी यादव को पप्पू यादव और कहते नजर आ रहे हैं कि अपने नाम पर एक सीट भी नहीं जीत सकते, खुद अपनी सीट नहीं बचा सकते, अगर जीत भी मिली है तो पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पर। खैर, ये तमाम जो गुस्से हैं वो लालू परिवार पर और यूँ कहें तेजस्वी यादव पर, पप्पू यादव का जो फूट रहा है वो जातीय जनगणना को मुद्दे को लेकर फूट रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।